इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इत्तेहाद न्यूज़ मुल्क रियासत के तहत मौजू पर बोलने की कोशिश करता है। अब जब यह मौजू आपके सामने रख रहा है, शायद मुझे इतना अफसोस इससे पहले कभी नहीं हुआ था जितना आज के मौजू पर बोलते वक्त हो रहा है। आखिर इस मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं कुछ लोग, कैसे नफरत के सौदागर धर्म मजहब की आड़ में आज के नौजवानों को नफरत का जहर परोस रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर अगर यह कहा जाए कि इस हुकूमत की हिमायत इन्हें हासिल हो रही है, कपिल मिश्रा का नाम लेना इस वक्त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दहली फसाद को एक साल मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 60 के करीब लोगों की इस फसाद में मौत हुई और अवाम को भड़काने और तशद्दुद को फैलाने में कपिल मिश्रा पेश पेश था, पर गिरफ्तारी महज ताहिर हुसैन की, जो बार बार पुलिस कमिश्नर को, पुलिस अफसर को फोन करके हालात की इत्तला दे रहा था। खैर, आज बात इसी नफरत के बाजार पर है जिनकी दुकानें तिजारती या फिर इख्तदार की कुर्सियां इन शोलों की लपेटों में हासिल की जाती है। नफरत की फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, नफरत तशद्दुद के गिरोह बनाए जा रहे और खुलेआम किया जा रहा, भाजपा के लीडर बनकर किया जा रहा। वाकई इसके बाद भी कुछ लोग जरूरतमंदी के साथ इनका पर्दाफाश करने में लगे हुए। आज की रिपोर्ट भी इन्हीं सोशल मीडिया की द वायर और न्यूज लॉन्ड्री और अल्ट की रिपोर्ट पर ही मुनसर है। लेकिन जिस तरह की साजिशें और एक नौजवान नस्ल को तशद्दुद यानी कि हिंसक बनाया जा रहा है, इनकी फौज बनाई जा रही है, इस पर मीडिया कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ताधारी की चापलूसी की कीमत मिलती है। शायद सोशल मीडिया का डर भी इन्हें सता रहा है। तो जो भी हक की बात करते हैं इनके आवाज को दबाने की एक और कोशिश हुकूमत की जानिब से की जा रही है। लिहाजा अब सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, इनके आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही है, अपना तसल्लुत कायम करने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हुकूमत की गलत पॉलिसियां या फिर सत्ता से सवाल किया जाएगा तो इन्हें मुख्तलिफ कानूनी दांव पेच में फंसा कर खत्म करने की साजिशें रची जाएंगी। क्योंकि आज भी कुछ बोलने वाले पत्रकार साहबी है, पेट्रोल 100 रुपए पार हुआ तो क्या मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारा, चाइना को पीछे नहीं भगाया, जैसे ट्रेंडिंग नहीं भाजपाई या संघी आईटी सेल की जानिब से किया जाता है। पर अब आगे बढ़ते हुए किस तरह हिंसक यानी खून रेजी करने वाले नौजवानों की फौज बनाने का काम इसी कपिल मिश्रा की जानिब से किया जा रहा है, जिसका नाम हिंदू इकोसिस्टम है। खुलेआम हिंदू फौज बनाने का दावा कपिल मिश्रा की जानिब से किया जा रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना हो सकती है क्योंकि इसके पेज पर प्रकाश जावड़ेकर की तस्वीर है। मेरा सवाल इस सिस्टम से है, इस इंतजामिया से है, छोटी छोटी बातों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं पर इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती, जबकि खुलेआम कुछ भी कह देते, किसी समाज किसी धर्म वर्ग के बारे में वाजा रहे कि जो हिंदू इको सिस्टम नाम का जो ऑनलाइन तहरीक इन्होंने छेड़ी है सिर्फ मुस्लिम समाज के ताल्लुक से नहीं बल्कि ईसाई और सिख समाज के खिलाफ भी, इसमें लिखा जाता है इसके फॉर्म्स भी हिंदू इकोसिस्टम पर हासिल हो जाते हैं, जिसमें अपने तमाम तफसीलात के साथ आप किस मैदान में दिलचस्पी रखते हैं इसका भी कॉलम इसमें है। जैसे कि एक तालिबे इल्म को कॉलेज में स्कूल में फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस काम में है, यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर, साहबी पुलिस फौज संगीत वगैरह। उसी तर्ज पर फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि आपको गो रक्षक, गो सेवा, लव जिहाद के खिलाफ, घर वापसी पर हलाल मंदिर निर्माण, हिंदू एकता वगैरह कहने का मतलब किस तरह का मुल्क बनाया जा रहा है। क्या कोई बाप अपने बच्चों को इस तरह फसाद की भीड़ का हिस्सा बनाना चाहेगा। हासिल इत्तला के मुताबिक अब तक 40,000 के करीब नौजवान से जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्म को खतरे में बताकर झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं। किसान एहतजाज को प्रो खालिस्तानी या प्रो पाकिस्तानी बनाना इसी हिंदू इकोसिस्टम का हिस्सा बताया जा रहा है। सवाल यही बार बार उठता है कि क्या भारत को इस तरह नफरत की आग में झोंकना आम भारतीय चाहेगा, कि क्या कोई अपने बच्चों को नफरत की फैक्ट्री में काम करना पसंद करेगा। इस देश का संविधान एकता अखंडता की बात करता है और वैसे भी जो सच बोलता है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। टूलकिट पर दिशा रवि की गिरफ्तारी हो या मनदीप पुनिया की जिन्होंने किसान एहतजाज की रिपोर्ट बनाई थी, राजदीप सरदेसाई पर मुकदमा हो, ना जाने कितने सच बोलने वाले पत्रकारों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक और न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सिर्फ 10 सालों में 160 से भी ज्यादा साफियों पर मुकदमे दायर किए गए और इसी दौर में 30 साफियों की मौत भी हुई है। जबकि टूल किट को लेकर जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया कि देश में बगावत करने की बात कही गई थी या फिर तशद्दुद की बात थी, जबकि इसमें ऐसी किसी तरह की बात नहीं थी, पर जो भाजपा का नेता है
जिसने हिंदू इकोसिस्टम के नाम पर तशद्दुद की फौज तैयार की हुई है और 40,000 के करीब लोगों ने साइन अप किया हुआ है, कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजी से फॉर्म भरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक इसमें तकरीबन सभी अपर कास्ट के नौजवान है। अब सवाल यह भी उठता है कि इस कपिल मिश्रा पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। दिल्ली फसाद को 1 साल हो गया और यह अहम शख्स था जिसने फसाद में सीधा किरदार निभाया था। इसके बाद ही कपिल मिश्रा का कद पार्टी में बढ़ गया। वैसे तो अब यह मामूल बन गया कि किसी बड़े फसाद को अंजाम दो, पार्टी में अपना कद अपने आप बढ़ जाता। लिहाजा कपिल मिश्रा खुद कहता है कि हिंदू इकोसिस्टम को मुख्तलिफ शहरों में फैलाया जाएगा, यानी कैसा नया भारत बनाया जाए, किस दिशा में भारत को ले जाया जा रहा, जहां पड़ोस में रहने वाले दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करना सिखाया जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर किसी धर्म और खासकर मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के खिलाफ बेबुनियाद बातों को बनाया जाता है। ऐसा इतिहास तारीख बताई जाती है जो हकीकत में आई नहीं। फेक खबरों के जरिए हिंदुओं के नस्ल कशी की तस्वीर पेश की जाती है और जब हजारों ट्वीट एक साथ किसी शख्स या किसी धर्म को लेकर होते हैं तो इसका कितना खतरनाक असर हो सकता है, हमने बारहा देखा है। सुबह शाम गुस्सा, नाराजगी, नफरत, तशद्दुद, हिंसा भरकर एक नस्ल को तैयार किया जा रहा है जो हिंदू नहीं है। इसके खिलाफ बदले का एहसास जज्बे को पैवस्त किया जा रहा है और जाहिर है हमने तमाम बदलते हालात को भी देखा है। बेलगाम जैसे शहर में जहां किसी धर्म जात पात का कोई तफरका नहीं था, लिहाजा ये मजहबी तशद्दुद में कैसे तब्दील हो गया। ना जाने बेलगाम जैसे कितने शहर इस मुल्क में जहां भाईचारा था, अब एक तरह की दरार देखी जाती है। कितने खानदान परिवार जो मिलजुल कर रहते थे, ईद त्योहार मिलकर मनाते थे, अब एक दूसरे पर शक करने लगे, अलग सोचो फिक्र से मुतासिर हो चुके हैं, भारत को बदलने की बात करते हैं। जो भी हो रहा है सही है का जहन कईयों का बन चुका है और इसे अच्छी तरह महसूस भी कर रहे हैं। ये तमाम इसी नफरत के एजेंडों का असर है, यही नफरत की फैक्ट्रियां है, हर शहर में लगाई जा रही है। अब तो ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, अब इसे जमीनी सतह पर भी उतारा जा रहा है, जिसका एतराफ खुद कपिल मिश्रा ने किया है। क्या अब ऐसी फैक्ट्रियां खुद हुकूमतों के जेरे निगरानी चलेंगी? ऐसे सवाल इसलिए भी आते हैं क्योंकि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, बृजभूषण शरण हो या तिवारी हो, जिन्होंने खुले आम मुसलमानों से किसी चीज को ना खरीदने की बात कही थी, खुद कायर मुल्क के संविधान आईने हिंद पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि मुल्क के भाईचारे की एकता की हिफाजत करेंगे, फिर इस तरह की नफरत की फैक्ट्रियां चलाएंगे जहां पर धर्म के नाम पर दंगाइयों के गिरोह बनाए जाते हो? तो सवाल आखिर आवाम किससे करे? देश की जनता को सोचना होगा कि संविधान आईने हिंद की हिफाजत तहफुज कैसे करे। देश अमन सुकून की फिजा में ही तरक्की पा सकता है। नफरत की आग तो ना सिर्फ घरों को जलाती है बल्कि मुल्क को भी जला देती है। लिहाजा खुले आम नफरत की फैक्ट्रियां चलाने वालों पर हुकूमत से सवाल पूछो, वरना खामोशी गुलामी और गूंगे होने की अलामत होती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।